कोई भी ट्रेडर हमेशा अप ट्रेंड में बाय करना चाहता है और ट्रेंड एंड होने से पहले सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेल करके वो ट्रेंड एंड होने से पहले बाय करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है। बट बाय करने के बाद कब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है और सेल करने के बाद कब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, एज ए बिगिनर ट्रेडर हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी हम उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन का ट्रेंड चेंज हो रहा है उसे कैसे आइडेंटिफाई करते इसे समझेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन से इसे आइडेंटिफाई करना सीख गए तो हम सही टाइम ट्रेड से एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। जैसे हम जानते हैं प्राइस अगर लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहे है तो प्राइस अप ट्रेंड में है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है और आप इस अप ट्रेंड में बाय किए हो, उसके बाद प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जाने लगती है। इस टाइम आपके ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होता है। अगर आपने पहले से कोई टारगेट फिक्स्ड करके रखा है और प्राइस टारगेट तक पहुंच चुका है तो आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम दो सिनेरियो में होगा, एक आपके टारगेट तक प्राइस पहुंचा ही नहीं है उसके पहले ही अप ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंड दूसरा आप पहले से कोई टारगेट रखे ही नहीं है, प्राइस एक्शन को देख के एग्जिट करने का सोच रहे हो। तो फास्ट आपको हायर हाई और हायर लो को ध्यान से फॉलो करना है। अगर एक बार भी ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है। जैसे प्राइस अगर जो हायर हाई बना रहा है और अभी नया हाई बनाने में फेल हो रहा है, एंड सेकेंड जो हायर लो बना रहा है और अभी प्रीवियस हायर लो को भी ब्रेक करके नीचे आ गया है, ये दोनों में से आपको कोई भी अगर चार्ट में दिखाई दे रहा है तो आपको हाई अलर्ट हो जाना है। जैसे प्राइस अगर अपने हायर हाई एरिया में आने के बाद टाइम बिताना शुरू कर देता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि देखिए प्राइस जब हायर हाई बनते हुए जा रहा था तब प्राइस के ऊपर इस हाई एरिया में कंप्लीट बायर्स का कंट्रोल था, लेकिन अभी जब हायर हाई एरिया में प्राइस आया है तो प्राइस स्ट्रगल करना शुरू किया है, मतलब सेलर भी यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने में रोकने के लिए हाई क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर ला रहा है। बायर अगर इस प्राइस एरिया में हाई क्वांटिटी सेल ऑर्डर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो प्राइस सेलर का कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होके कैंडलस्टिक को अच्छे से रीड करना है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल कैंडल यानी बेयरिश कैंडल पैटर्न यहाँ बन जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है। एंड सेकेंड, प्राइस जो हायर लो बनाते हुए जा रहा है अगर प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो आपको हाईली अलर्ट हो जाना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बायर प्राइस को अपना प्रीवियस हायर लो ब्रेक करने नहीं देना चाहता है। अगर ये ब्रेक हो रहा है मतलब यहाँ पे सेलर बायर से भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। यहाँ अगर कोई सेलर कंट्रोल कैंडल यानी बेयरिश कैंडल पैटर्न बन जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है। और एक सिनेरियो हो सकता है, प्राइस अपना हायर हाई और हायर लो एरिया के अंदर स्ट्रगल करना शुरू कर दे, इसका मतलब बायर और सेलर दोनों ही यहाँ पे सेम एफर्ट से प्राइस को अपना कंट्रोल में लाने की ट्राई कर रहा है। अगर बायर यहाँ से ज्यादा अग्रेसिव हो जाए तो प्राइस फिर से अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लगेगा, और अगर सेलर ज्यादा अग्रेसिव हो जाए तो प्राइस अपना अप ट्रेंड को रिवर्स कर जाएगा। तो इस एरिया में आपको अलर्ट हो जाना है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलर कंट्रोल पैटर्न बनना शुरू कर दे तो आपको एग्जिट कर जाना है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए जाते हैं। अगर प्राइस अपना प्रीवियस लोअर लो एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता है या फिर वहां स्ट्रगल करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे वीक होने लग रहा है और बायर प्राइस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। तो कभी भी यहाँ से प्राइस का ट्रेंड चेंज होके ऊपर जा सकता है, तो आपको यहाँ अलर्ट हो जाना है। और बायर अगर यहाँ से प्राइस को ज्यादा कंट्रोल करने लग जाए तो आपको एग्जिट हो जाना है, और प्राइस अगर अपना प्रीवियस लोअर हाई को तोड़ देता है तो भी आपको अलर्ट हो जाना है, और प्राइस के ऊपर बायर का कंट्रोल इस एरिया में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको एग्जिट कर जाना है। ऐसे ही लोअर हाई और लोअर लो एरिया के अंदर अगर प्राइस स्ट्रगल करना शुरू कर देता है तो आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों ही यहाँ पे प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बायर्स का कंट्रोल ज्यादा हो रहा है, ऐसा कैंडलस्टिक आपको बनते हुए अगर दिखाई देता है तो एग्जिट कर जाना है। ये कंसेप्ट को आप अपना ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काफी अच्छा हो जाएगा। और प्राइस एक्शन के ऊपर और भी कंसेप्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट में प्राइस एक्शन जरूर लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कई कंसेप्ट के साथ।